हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड शेयर के बारे में। तो गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, शेयर्स, इक्विटी और FNO के अपडेट्स मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, फुल एनालिसिस कर लिए हमारी टीम ने इस शेयर के ऊपर, और करके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रह गए जिसे ट्रेंड रेस्पेक्ट करेगा इस लेवल को। तो आइए शुरू करते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं लेवल जो कि दिखाई दे रहा है 847, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ कई बार सपोर्ट लिया है मार्केट, तो कल के दिन भी इस लेवल को सपोर्ट लेगा ये शेयर टाटा कंज्यूमर, लेके यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा दोस्तों। 847 कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो काफ़ी नीचे जाएगा, यानी कि आपको ये डाउनवर्ड साइड के हम देखें तो लेवल, ये लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट। 847 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। अगर 847 का लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ नीचे सपोर्ट ले सकता है, 843 का लेवल आएगा। और डाउन साइड की हम बात करेंगे तो और नीचे का ये जो रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे शेयर नहीं जाना चाहिए। अगर 833 के लेवल को भी अगर ये कल के दिन ब्रेक करता है तो टाटा कंज्यूमर और नीचे जाने के आपको चांसेस मिलेंगे, जो कि आप यहाँ प्रीवियस में यहाँ देख ही सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कल अपवर्ड ही जाने के चांसेस है, क्योंकि इस लाइन जो दिखाई दे रहा है 847, ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से सपोर्ट लेके सीधा पहला टारगेट आपको ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 856 के लेवल तक आपको पहला टारगेट मिलेगा, अगर कल इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके ऊपर जाता है शेयर तो। ओके, इसके बाद ये सेकंड लेवल आपको जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसे भी इस लेवल को भी सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो काफ़ी अच्छे मूव्स आपको अपवर्ड देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ जो लेवल दिखाई दे रहा है 869 का लेवल आपके लिए एक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये लेवल भी आपको काफ़ी अच्छा मूव आएगा यहाँ तक। इसके बाद का जो लेवल रहेगा ये भी आपको बहुत ही नज़र में रखना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी बार कंसोलिडेट हुआ है मार्केट यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कल यहाँ अपवर्ड में आया तो यहाँ भी थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से बैक भी ले सकता है। तो गाइस, अगर इसे लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा ये जो लेवल रहेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये लेवल ऑन हो जाएगा। इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको और भी अच्छे अपर साइड अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये लास्ट फाइनल जो लेवल रहेगा ये रहेगा। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो मार्केट आपको काफ़ी अच्छे, जो कि रिकवरी जितना ऊपर से नीचे आया है वहाँ तक ये जाने की कोशिश बराबर करेगा दोस्तों। तो गाइस, फिलहाल तो जो कल जो आज का जो ट्रेंड था प्रीवियस डे का, आज पूरा नीचे आया था मार्केट, यहाँ आके नीचे सपोर्ट लाइन कन रुके हुआ है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है गाइस, जो कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है ये यहाँ रुके हुआ है। अगर यहाँ कल रेसिस्टेंस यानी कि रेंज बाउंड थोड़ा बहुत हो के यहाँ से रिवर्स अगर होता है तो सीधा आपको अपवर्ड जाने के इस शेयर के चांसेस दिखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इंटरेस्टिंग अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।